भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में सुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांपत्तिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिभीषण ने भी कीमती हीरे मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्ध देव ने सबको एक खासे शहर स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों सेठों सहाकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्ध देव ने उन सबको एक खासे स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते वहाँ आई। बुद्ध देव को प्रणाम कर वह बोली, भगवान जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस अदखाए फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं सौभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा विभीषण ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्ध देव से कहा, भगवान क्षमा करे, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सब ने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्होंने आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं जूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुन बुद्धदेव मुस्कुराए और बोले, राजन आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का दसवां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुँह का कोर ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है।